बिल्कुल सीधा आइए, अब ये चलते हैं आपको ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास। वीरेश, देखिए पहला नतीजा आ गया है और उम्मीद के हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी है, बीजेपी जीती है। देखिए आपने एक शब्द का प्रयोग किया उम्मीद के मुताबिक, जी हाँ उम्मीद तो यही थी ना कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही परिणाम आ रहे हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ भी सोर्सेस से खबर है कि मतगणना में रामचंद्र प्रधान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वही आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मैं प्रदेश की राजधानी में हूँ, अन्य जगहों पर अपने संवाददाताओं अपने सोर्सेस से मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें भी ये सामने आ रहा है कि एक आजमगढ़ एक वाराणसी को छोड़कर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाता दिख रहा है। जी हाँ मैं आजमगढ़ और वाराणसी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि वहाँ कड़ा मुकाबला है। उसके अलावा जो भी जानकारी मिल रही है अपने जो जिला प्रतिनिधि हैं हमारे संवाददाता जहाँ जहाँ लगाए गए हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे जो मेरी जानकारी यही है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, आगे उसको सीट मिलने वाली है, सभी सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। केवल भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों में एक सीट छोड़कर सब पर दांव लगा रखा है। जी हाँ मैं ये कह रहा हूँ एक सीट छोड़कर, उसके संकेत बहुत हैं और यहाँ पर उसको भाषा में बताने की ज़रूरत नहीं है। जो राजनीति जानते हैं, जो दर्शक हैं, जो जागरूक हैं और MLC के चुनाव में जो ABP गंगा को देख रहे हैं वो ये जान रहे हैं कि एक सीट छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने सभी जगह वीटो लगाया हुआ है अपना। और साथ ही साथ सुनील बंसल यहाँ बैठे हुए हैं, फोन हर सांसद के पास जा चुका है, हर विधायक हर मंत्री के पास आ चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी है, रिपोर्ट कार्ड बनाई जाती है यहां पर। रिपोर्ट कार्ड इस लिहाज से बनाया जाता है कि हर 10 दिन पे आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर MLC चुनाव में हारते हैं ना कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी है और लगातार नतीजे आने भी शुरू हो चुके हैं। पहला नतीजा सामने आए, वो तस्वीर हमने आपके सामने रखी है।